डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास LKG, सब्जेक्ट मैथ, पार्ट 44। एंड टुडेज टॉपिक इज अरेंज दिस नंबर्स स्मॉलर टू बिगर। ठीक है, चलिए सब कोई बोर्ड की ओर देखिए। आज का टॉपिक है अरेंज दिस नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, यानी इस नंबर को छोटे से बड़े तक व्यवस्थित करना, यानी अरेंज करना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि दिए गए नंबरों में से ये कौन कौन से नंबर हैं, क्योंकि आपको काउंटिंग आता है और उसी के आधार पर ये अरेंज करना है, यानी सजा कर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे नंबर वन का कौन कौन सा नंबर है। चलिए यहाँ देखते हैं, वन है, टू है, जीरो है और थ्री है। तो इसको इधर अरेंज करके लिखना है कि सबसे छोटा कौन है, उसके बाद उससे बड़ा कौन है, उसके बाद उससे बड़ा कौन है। तो इस तरह हमारा नंबर अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ जीरो भी दिख रहा है, जो काउंटिंग में नहीं लिखते हैं, लेकिन काउंटिंग लिखने के पहले जीरो भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग जीरो को लिखेंगे, क्योंकि सबसे इन चारों नंबर में से सबसे स्मॉल नंबर आएगा जीरो। ठीक है, उसके बाद जीरो के बाद आएगा वन, तो यहाँ वन लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा टू, टू यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में आ रहा है थ्री। ठीक है, तो इस तरह से जीरो, वन, टू, थ्री, ये नंबर वन का अरेंज हो गया। अब देखेंगे नंबर टू, यहाँ कौन कौन से नंबर है देखिएगा। फाइव है, टू है, थ्री है और फोर है। ठीक है, इसको भी अरेंज करना है। तो इन चारों में से सबसे पहले काउंटिंग के अनुसार जो नंबर आएगा उसी को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं काउंटिंग के अनुसार। यहाँ नंबर टू आएगा, तो टू लिखेंगे। उसके बाद टू के बाद क्या आता है, टू के बाद आता है थ्री, तो यहाँ थ्री लिखेंगे। उसके बाद फिर थ्री के बाद कौन सा नंबर आता है, फोर आता है, फोर लिखेंगे। उसके बाद फोर के बाद कौन सा नंबर आता है, फाइव आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फाइव। इस तरह नंबर वन और टू का अरेंज हो गया। ठीक है, नंबर टू में कौन कौन से नंबर है, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, इस तरह ये अरेंज हो गया। तो इसी तरह नंबर थ्री से सेवन तक आपको घर पे अपने कॉपी में लिखना है और ये नंबर बनाना है, अरेंज करना है। ठीक है, आपको काउंटिंग भी याद करते जाना है कि कौन नंबर किसके बाद आता है, वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो आपको नंबर पहचान में आ ही रहा है, ये है नंबर थ्री का सिक्स, सेवन, एट, फाइव, इसको आपको अरेंज करना है। नंबर फोर में देखिए, टेन है, सेवन है, एट है और नाइन है, इसको काउंटिंग के अनुसार अरेंज करना है। नंबर फाइव में एटीन है, सेवनटीन है, सिक्सटीन है और फिफ्टीन है। नंबर सिक्स में ट्वेंटी, नाइनटीन, एटीन और सेवनटीन। सेवन में है फोर्टीन, थर्टीन, ट्वेल्व और इलेवन। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में जरूर बनाइएगा। पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस एक्सरसाइज को अपने बच्चों को बनाने में ज़रूर मदद कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।